हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट का इंडिकेशन पढ़ा था कि लो फ्रीक्वेंसी करंट का यूज़ करके हम कौन कौन से कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पढ़ा था लो फ्रीक्वेंसी करंट का। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी करंट का यूज़ करके हम कौन कौन से कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन मीडियन नर्व स्टिमुलेशन। जब भी मीडियन नर्व को स्टिमुलेट करना होता है तो हम लो फ्रीक्वेंसी करंट का यूज़ करते हैं। अल्नार नर्व स्टिमुलेशन के लिए, रेडियल नर्व स्टिमुलेशन के लिए, अर्ब्स पैरालिसिस के कंडीशन में, फेसियल नर्व स्टिमुलेशन के लिए, डेल्टॉइड इनहिबिशन के लिए, क्वाड्रिसेप्स इनहिबिशन के लिए, लैटरल पॉपलीटल नर्व स्टिमुलेशन के लिए, फेराडिज्म अंडर प्रेशर के टाइम हम यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट, फेराडिक फुट बाथ में, कॉमन मोटर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। कॉमन मोटर पॉइंट्स भी दिए गए हैं डायग्राम में, उसमें डायग्राम के थ्रू दिखाया गया कौन कौन से मोटर पॉइंट्स हैं मसल्स को स्टिमुलेट करने के। हम वन बाय वन एक एक को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पेशेंट के असेसमेंट के लिए प्रोफॉर्मा दिया गया है, तो देख लेते हैं हमें कैसे पेशेंट का असेसमेंट करना है। फर्स्ट रिसीविंग द पेशेंट हमें क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट यू, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड वेट अंटिल आई गो थ्रू योर केस शीट। फर्स्ट हमें पेशेंट को रिसीव करके ये सब बोलना है, देन हिस्ट्री टेकिंग एंड गोइंग थ्रू द केस शीट। तो उसमें हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या चेक करना है, नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये सब हमें लेना है पेशेंट का हिस्ट्री। देन एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट। देन चीफ कंप्लेंट्स लेने हैं पेशेंट से, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछना है पेशेंट से, पास्ट इलनेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस में जैसे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट लाइक एक्सरे, मैग्नेटिक MRI स्कैन एट्सेट्रा एंड अदर्स। जो भी हमारा रेडियोलॉजिकल टेस्ट है वो सब के बारे में पूछना है, और जो भी ब्लड टेस्ट हुआ है उसके बारे में पूछना है। ये सब हमें चीफ कंप्लेंट्स जो है ये सब हमें पेशेंट से पूछना है। फिर उसके बाद दिया गया चेकिंग ऑफ जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हमें जो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है जिस समय हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते वो सब कंडीशन में, वो सब कंडीशंस को चेक करना है, जैसे कि फीवर है, पेशेंट को फीवर तो नहीं, हाइपरटेंशन, अनीमिया, सीवियर रीनल और कार्डिक फेलियर, देन डीप एक्सरे एंड कोबाल्ट थेरेपी, एपिलेप्टिक पेशेंट, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट, वेरी पुअर जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये सब जो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है वो सब चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद ही हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए आगे ट्रीटमेंट करेंगे। देन चेकिंग फॉर लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी चेक करेंगे, लाइक ओपन वूंड्स तो नहीं है पेशेंट को, वेरी रिसेंट फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है रिसेंटली का, स्किन ग्राफ्ट चेक करेंगे, सीवियर एडिमा, हेयरी सरफेस, कि उसके स्किन सरफेस पे ज़्यादा हेयर्स तो नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट के समय ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो हम ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट में ये से इसमें से कुछ भी है, ओपन वूंड्स है या कोई स्किन ग्राफ्ट है या फिर मेटल इम्प्लांट्स है, ये सब अगर है तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। अक्यूट इन्फ्लामेशन, ये सब हम लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख रहे हैं, मेटल इन द पार्ट एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ, हाइपर सेंसिटिव स्किन, अगर स्किन हाइपर सेंसिटिव है वो भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर सेंसेशन भी नहीं है तो। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रे, हमें कौन कौन सा ट्रे प्रिपेयर करना, स्किन रेजिस्टेंस, लोअरिंग ट्रे और ट्रीटमेंट ट्रे, दोनों में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेने वो नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्किन रेजिस्टेंस लोअरिंग ट्रे में हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे ट्रे में, सेलाइन वाटर, सोप, कॉटन, वैसलिन, टॉवल एट्सेट्रा। देन ट्रीटमेंट ट्रे में क्या क्या होना चाहिए, मैकिंटोस, लिंट पैड, पैड और प्लेट इलेक्ट्रोड, पेन इलेक्ट्रोड, लीड्स, स्ट्रैप्स, कॉटन पाउडर, जेल एट्सेट्रा, ये सब हमारे ट्रीटमेंट ट्रे में होना चाहिए।
देन प्रिपरेशन ऑफ अपैरेटस, अपैरेटस के बारे में हमें ध्यान देना है. चेक वेदर ऑल द नॉब्स आर एट जीरो, हमें चेक करना है कि जो अपैरेटस है, जो मोडलिटी है उसका, जो नॉब्स, सभी जो नॉब्स है वो जीरो पर हैं कि नहीं. देन चेकिंग द पिंस ऑफ द प्लग एंड चेक वेदर द स्विच इज़ टर्न्ड ऑफ, हमें फिर ये भी चेक करना है कि जो हमारा स्विच है वो ऑन है या ऑफ है. देन वायर का इंसुलेशन चेक करना है. देन हमारा जो मोडलिटी है, जो स्टिमुलेटर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं. जो मोडलिटी का स्विच है वो ऑन, मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑन हो रहा है कि नहीं. देन चेक वेदर फ्यूज इज़ प्रेजेंट इन द अपैरेटस, सी दैट इट इज़ नॉट ब्लोन आउट. जो फिर हमें ये भी चेक करना है कि जो अपैरेटस में जो फ्यूज है वो ब्लोन आउट, मतलब क्या, वो ऑन हो रहा है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं. वो लाइट होता है ना, रेड लाइट ऑन होता है, रेड लाइट जलता है वैसा. देन चेक वेदर हैंड स्विच फॉर पेशेंट यूज इज़ इनटेक और इज़ वर्किंग और नॉट, ये सब हमें चेक करना है अपैरेटस का. देन करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पोजिशन भी करेक्ट होना चाहिए. तो फर्स्ट उसमें क्या दिया गया, पोजिशन ऑफ द पेशेंट इन, पोजिशन द पेशेंट इन सच अ वे दैट इट इज़ कम्फर्टेबल टू द पेशेंट, ऐसे पोजिशन में पेशेंट को हमें बैठाना है ट्रीट करने के लिए, या फिर जो भी हमें पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देना है वो हमें इस पोजीशन में देना है कि पेशेंट को कोई भी डिसकम्फर्ट, अनकम्फर्टेबल ना फील हो, वो एकदम कम्फर्टेबल हो, कम्फर्ट फील करें. देन पार्ट टू बी ट्रीटेड मस्ट बी एक्सपोज, जो पार्ट हमें ट्रीट करना है वो एक्सपोज होना चाहिए. एंड देन शुड बी एट एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द मोडलिटी, और जो मोडलिटी है, अपैरेटस है, उससे एडिक्वेट डिस्टेंस पे हमारा जो पार्ट ट्रीट करना है वो होना चाहिए. ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्टेंस पे होना चाहिए, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास. देन करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का भी पोजिशन सही होना चाहिए. पोजिशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट शुड ऑल्सो बी कम्फर्टेबल सो दैट ही और शी मे नॉट गेट टायर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट. देन पोजिशन शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम असेसबिलिटी टू द ट्रीटमेंट पार्ट एंड टू द मोडलिटी. देन है उसके बाद चेकिंग ऑफ अपैरेटस, हमें अपैरेटस को पहले सेल्फ टेस्ट करना है, देन उसे पेशेंट पे यूज करना है. अपैरेटस मस्ट बी चेक वंस इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सामने हमें अपैरेटस को एक बार चेक करना है. प्लेस द इलेक्ट्रोड्स ऑन योर सेल्फ ऑन पामार और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड फोर आर्म. स्विच ऑन द अपैरेटस, ग्रेजुअली इंक्रीज द करेंट. देन एक्सप्लेन द पेशेंट द फील ऑफ द करेंट. देन दिस विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट एंड विल रिड्यूस इट्स एप्रीहेंशन. ऐसा करने से पेशेंट को कॉन्फिडेंस फील होगा और उससे जो भी पेशेंट का एप्रीहेंशन होगा वो कम हो जाएगा. जो भी उसकी चिंता, जो भी घबराहट, जो भी होगा उसके मन में होगा ना कि कैसा फील होगा. देन उसके बाद है प्लेसिंग ऑफ पैड्स और इलेक्ट्रोड शुड बी करेक्ट. देन इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना हमें पेशेंट को. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, हमें ऐसा बोलना है. बी रिलैक्स्ड, डो नॉट टच एनीथिंग अराउंड यू, डो नॉट पुल द लीड्स, डो नॉट टच द वॉल्स और ग्राउंड, डो नॉट टच द वॉल एंड और ग्राउंड. इफ़ यू फील अनइजी, स्विच ऑफ फ्रॉम द पेशेंट्स स्विच, ये सब हमें पेशेंट को बोलना है, इंस्ट्रक्शन देना है. देन रेगुलेटिंग द करेंट, ग्रेजुअली इंक्रीज द करेंट. देन कीप टॉकिंग विद द पेशेंट अबाउट द फील ऑफ द करेंट, हमें पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देंगे तो हमें पेशेंट से ऐसे पूछते रहना है, बार बार पूछते रहना है कि उसे करंट फील हो रहा है कि नहीं. और धीरे धीरे हमें जो करंट है उसका इंटेंसिटी, जो करंट है वो भी इंक्रीज करते जाना है. देन टेल हिम टू इन्फॉर्म यू इमिडिएटली अबाउट एनी इनकन्वीनियंस, डिसकम्फर्ट और बर्निंग. और उन्हें हमें ये भी बोलना है पेशेंट को कि अगर वो कोई भी इनकन्वीनियंस, डिसकम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें, तुरंत बताएं. देन पालपेटिंग टेंडन, फील द कॉन्ट्रैक्शन बाय पालपेटिंग द टेंडन. और हमें टेंडन को पालपेट करके
कॉन्ट्रैक्शन भी फील करना है. देन सेलेक्शन ऑफ करंट, और हमें करंट प्रॉपर करंट चूज़ करना है ट्रीटमेंट के लिए, फेराडिक करंट, गैल्वेनिक करंट और अदर्स जो भी करंट हैं वो सब. देन सेलेक्शन ऑफ पल्स फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट टाइम, ये सब हमें सेलेक्ट करना है फिजियोथेरेपिस्ट को. देन ट्रीटमेंट देना है. देन एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना. एक्सप्लेन द पेशेंट द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रीटमेंट, हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है. देन एक्सप्लेन द पेशेंट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. एक्सप्लेन द पेशेंट डूज एंड डोंट्स इन होम एंड अदरवाइज, हमें पेशेंट को ये भी बताना है कि हमें घर पे क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं तो उसके वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है. सो ये सब हमारा ट्रीटमेंट का, कैसे असेसमेंट करना है, ट्रीटमेंट का प्रोफॉर्मा था. आप सब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, पेशेंट का असेसमेंट करना. इस प्रोफॉर्मा के बेसिस पर ही हम मीडियन नर्व स्टिमुलेशन, अल्नार नर्व स्टिमुलेशन, रेडियल नर्व स्टिमुलेशन, जो भी कंडीशंस है वो सबको इस प्रोफॉर्मा के बेसिस पे ही देखेंगे. सो इस वीडियो में हमने प्रोफॉर्मा देखा और पेशेंट के असेसमेंट का. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन नर्व स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लो फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ करके हम मीडियन नर्व स्टिमुलेशन देते हैं. सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, अगर आपको इस टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो देयर एंड चेक. थैंक यू.